हेलो एवरीवन, अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखा, उसके रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स कर लिया। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में देखेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, बहुत ईजी है समझने में। देखो कैसे, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, इच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मान लो जैसे कोई एक्शन हुआ, ठीक है, डेली लाइफ में मान लो कोई एक्शन हुआ तो उससे रिलेटेड क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे मान लो क्या किया ना तुमने, किसी को स्लैप किया, ठीक है, वो भी मान लो थोड़ा बदमाश टाइप का है, शरीफ नहीं है, तो वो भी क्या होगा, तुम्हें स्लैप करेगा या फिर वो कुछ करेगा। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड रिएक्शन देगा। कुछ भी, कुछ का भी एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये लॉ है, इसका मतलब क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, और इसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि न्यूटन साहब ने दिया है। तो इच एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो इसके बहुत सारे अपने डेली लाइफ में एग्जांपल है, उसको भी अपन देखेंगे। और सबसे पहले देखो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, इच एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे बड़ी बात देखो क्या है, इक्वल होना चाहिए रिएक्शन। मतलब जैसे मान लो मैंने किसी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो उधर से रिएक्शन भी कितना आना चाहिए, 10 न्यूटन। और ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर मान लो एक्शन 10 न्यूटन, 15 न्यूटन हुआ, तो रिएक्शन भी कितना होगा, 15 न्यूटन। और ओपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक बॉल को थ्रो किया वॉल पे, ठीक है, बॉल को वॉल की तरफ थ्रो किया, तो बॉल ने पहले वॉल पे एक्शन किया, तो रिटर्न में क्या हुआ, वॉल ने भी बॉल पे रिएक्शन लगाया, समझ रहे हो, तब तो वो रिबाउंड किया। तो एक्शन रिएक्शन इस टाइप से होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब देखो एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज पे, ठीक है। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो एक ही बॉडी पे एक्शन और उसी बॉडी पे रिएक्शन होगा, नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी को स्लैप किया, ठीक है, तो उसे भी चोट लगता है, मुझे भी चोट लगता है, तो देखो एक्शन क्या हुआ, उससे चोट लगा, रिएक्शन क्या हुआ, मुझे चोट लगा। तो ये क्या है, दोनों बॉडी अलग अलग है, एक मैंने हैंड है, एक मतलब चीक है या फिर गाल है। तो ये क्या होता है, मतलब एक्शन रिएक्शन क्या होता है, टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। अब देखो इसके एग्जांपल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्विमिंग ऑफ मैन। अगर मैन लो कोई पर्सन है वो स्विम कर रहा है, तो देखो उसमें क्या होता है, स्विमिंग करता है तो क्या होता है, वो वाटर को पीछे पुश करता है, ठीक है, ऐसे करके वाटर को पीछे पुश करता है, तो रिटर्न में क्या होता है, रिएक्शन में वाटर उसे आगे फॉरवर्ड पुश करता है। ठीक है, तो स्विमिंग ऑफ अ मैन हुआ। वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ मैन क्या होता है, जैसे मान लो तुम फ्लोर पे चल रहे हो, ठीक है, तो फ्लोर को क्या होता है, तुम पीछे पुश करते हो, फ्लोर को पीछे पुश करते हो, तो फ्लोर तुम्हें क्या करता है, रिएक्शन में आगे पुश करता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसका रिजल्ट में अपन चल पाते हैं। फ्लाइट ऑफ जेट और रॉकेट। अब देखो फ्लाइट ऑफ जेट और रॉकेट ये कैसे वर्क करता है, जैसे देखो जब देखे होगे स्पेस रॉकेट या फ्लाइट जो जेट होते हैं, पीछे क्या होता है, इसके इंजन लगे होते हैं, वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब है ना, मतलब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, फ्यूल को क्या बर्न किया जाता है, उससे क्या होता है कि है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, थ्रस्ट देखेंगे बाद में। तो उसमें क्या होता है, देखो होता है क्या है कि वो क्या करता है, ग्राउंड को, जो इंजन है वो ग्राउंड पे नीचे फोर्स लगाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो देखते हो कि धुआं, स्मोक और फायर टाइप का बर्न होता है, दिखता है, ठीक है, स्मोक और फायर निकलते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राउंड को नीचे पुश करता है, तो रिटर्न में क्या होता है, जो अर्थ है या ग्राउंड है वो उसको ऊपर पुश करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, टेक ऑफ कर पाता है। मैन एंड बोट इसका एग्जांपल ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो बोट है एक, उस पे कोई मैन है, जैसे मान लो ये कोई बोट है, ठीक है, और इस पे कोई मैन है। अब देखो वो अगर इधर जंप करेगा, मैन अगर इधर जंप करेगा तो बोट किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अगर मान लो कोई, अगर मान लो रिवर हो बगल में, अगर मान लो बोट हो, तो तुम मान लो उस पे ना आगे जंप करोगे तो बोट रिवर क्या होगा, पीछे जाएगा, तो मैन एंड बोट का प्रॉब्लम होगा। होज पाइप, ठीक है, जो फायर ब्रिगेड ब्रिगेडियर होते हैं, और या फिर है ना तुम मान लो जैसे है ना गार्डनिंग या प्लांटिंग कर रहे हो, तो एक पाइप लो, ठीक है, उसमें बहुत तेज पानी बाहर आया है, अगर ठीक है पानी अगर तेज बाहर आता है तो क्या होता है, तुम उसको पकड़ोगे तो जैसे पानी तेज बाहर आएगा तो तुम्हें पीछे थोड़ा सा झटका लगेगा, ठीक है, होज पाइप में पानी जो बाहर आता है बहुत तेज,
तो उसमें अब देखो उसको क्या होता है, बहुत तेज पकड़ के रखना पड़ता है, वरना क्या है तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वाटर है ना उसको फोकस नहीं कर पाओगे। वहाँ पे फायर ब्रिगेड में भी यही होता है। तो उसमें होज पाइप में भी क्या होता है, वाटर क्या करता है, मतलब पाइप वाटर पे फोर्स, मतलब वाटर पाइप पे फोर्स लगाता है, तो पाइप भी वाटर पे फोर्स लगाता है एक्शन रिएक्शन पे। अब देखो गन एंड बुलेट, गन एंड बुलेट में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मान लो किसी को एक्सपीरियंस है फायर करने का, मुझे तो नहीं है, तो देखो वहाँ पे होता है क्या, देखते हो कि जैसे गन को फायर करते हैं तो थोड़ा सा हाथ पीछे जाता है, ठीक है, तो देखो बुलेट आगे गया, मतलब बुलेट, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, ठीक है, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया आगे, तभी तो बुलेट आगे गया। तो बुलेट गन पे किधर फोर्स लगाता है, पीछे, जिसके कारण क्या होता है वो थोड़ा सा रिबाउंड, क्या कहते हैं, रिबाउंड करता है, पीछे आता है, ठीक है, रिकॉयल कहते हैं उसको, रिकॉयल स्पीड ऑफ गन। इसको अपन अलग से एक टॉपिक देखेंगे कि रिकॉयल स्पीड ऑफ गन क्या होता है, मतलब बुलेट आगे जाता है तो गन पीछे जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिकॉयल, रिकॉयल स्पीड या वेलोसिटी, उसको अपन बाद में एक सेपरेट टॉपिक देखेंगे। अब देखो एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको देखते हैं, ठीक है, इसके बाद नोट करो। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको समझने के लिए ये बहुत अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक ये टेबल है, ये क्या है टेबल, और ये क्या है बुक, ठीक है। अब देखो क्या है, एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है। अब देखो है क्या, हुआ क्या कि जैसे मान लो ये, मतलब मान लो ये टेबल है, इस पर एक बुक रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, बुक मान लो, तो अब रखा हुआ है तो देखो क्या है कि ना बुक जो है वो टेबल को नीचे प्रेस कर रहा है। जैसे मान लो तुम किसी पे खड़े होते हो तो तुम, मतलब जैसे मान लो किसी चीज़ पे खड़े होते हो तुम उसको नीचे प्रेस कर रहे हो, तो रिटर्न में क्या होना चाहिए, टेबल, अगर मान लो बुक टेबल पे नीचे फोर्स लगा रहा है तो टेबल को भी बुक पे किधर लगाना चाहिए, फोर्स ऊपर। अब देखो अगर टेबल तो मान लो वो अर्थ पे क्या है फिक्स है तो वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, कंक्रीट फ्लोर है। अब देखो लेकिन बुक तो ऊपर जाने के लिए फ्री है, ऊपर तो कोई मतलब एयर है बस, तो बुक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मान लो बुक नीचे टेबल पे फोर्स लगा रहा है तो टेबल को भी बुक पर ऊपर फोर्स लगाना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए, बुक को ऊपर जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या है, क्या ये बुक ऊपर जा रहा है, एक मतलब एक बुक है वो रेस्ट कर रहा है टेबल पे तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखो इस पे होता क्या है कि जनरली देखो यहाँ पे ये ना फोर्स लग रहा है क्या, एक तो देखो जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ठीक है, अपन अर्थ में है तो ग्रेविटी है अर्थ का, तो उसके कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, वेट कहते हैं। इस पे मैंने मतलब न्यूटन, मतलब यूनिट ऑफ फोर्स में मैंने बता रखा है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है ये बात कि है ना वेट क्या होता है। अब देखो जो इसके बाद जो ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें अपन डिटेल में देखेंगे कि वेट क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब देखो नीचे क्या लग रहा है, इस पे देखो टेबल जो है वो बुक पे ऊपर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो बुक टेबल को प्रेस कर रहा है, बुक टेबल को प्रेस कर रहा है तो टेबल उसके ऊपर रिएक्शन में क्या लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स। तो देखो क्या है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द बुक, अब कौन अप्लाई कर रहा है, टेबल अप्लाई कर रहा है बुक पे, तो देखो बुक तो ऊपर जा नहीं रहा है तो नीचे इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ, ये देखो अर्थ है ना मान लो, तो अर्थ इस पर क्या लगा रहा है, वेट लगा रहा है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे, वेट क्या होता है, एमजी होता है, वेट बता रखा है एमजी होता है, तो अर्थ क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसे क्या कहते हैं, वेट, जिसके कारण क्या है ये बैलेंस्ड है। अब देखो ये बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है, कहीं मूव नहीं कर रहा है ऊपर नीचे, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। अब देखो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, अब देखो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब मान लो जैसे ये 10 न्यूटन इधर नीचे है तो ये भी क्या है ऊपर 10 न्यूटन, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 10 न्यूटन है ये 12 न्यूटन है तो वह ऊपर चला जाएगा, अगर मान लो ये ऊपर वाला 12 है और नीचे वाला 18 या 15 है, नीचे वाला ज़्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो एक ले लो, मतलब पेपर ले लो, उस पर बहुत हैवी मेटल बॉल डालो,
ठीक है, बहुत हैवी मेटल बॉल डालो, ठीक है, ऐसा पेपर ले लो, तो अगर मान लो बैलेंस नहीं कर पाया तो नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो, तो नीचे का फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इसको तोड़ करके नीचे आ जाएगा, लेकिन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों बैलेंस्ड है। एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन, पर क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? बैलेंस तो है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो कैसे नहीं है, देखो टेबल ने बुक पे फोर्स ऊपर लगाया, ध्यान से सुनो, टेबल ने बुक पे फोर्स ऊपर लगाया नॉर्मल। अब देखो मैं इसको अलग अलग बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेबल का सरफेस हो गया, ठीक है, और ये बुक मैंने बना लिया। तो देखो टेबल ने बुक पे फोर्स ऊपर लगाया नॉर्मल, ठीक है, टेबल ने बुक पे ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल, तो एक्शन, ये एक्शन हुआ, टेबल ने बुक पे ऊपर फोर्स लगाया, ये एक्शन हुआ, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? बुक टेबल पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल, ठीक है, बुक टेबल ने बुक पे ऊपर नॉर्मल लगाया तो बुक भी टेबल पे नीचे क्या लगाएगा? नॉर्मल, ठीक है। दूसरा देखो, ये जो वेट है ये बुक लगा रहा है, बुक पे कौन लगा रहा है? वेट जो है अर्थ लगा रहा है, ठीक है, तो अर्थ, समझ रहे हो, अर्थ जो है वो बुक पे वेट लगा रहा है, एक्शन लगा रहा है, मतलब समझो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो बुक भी अर्थ पर लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स W, उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे लगाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो हुआ, ये दोनों हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। ये जो नॉर्मल है ना, देखो ऑपोजिट है ना, इक्वल है, दोनों एन है, एन है, मतलब दोनों नॉर्मल है, मतलब जितना टेबल बुक पे लगा रहा है उतना ही बुक टेबल पे लगा रहा है। ये क्या है, नॉर्मल कौन सा है? जो बुक टेबल पे लगा रहा है। तो दोनों क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। यहाँ पे ये दोनों, अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तुम लोग इसका आंसर चाहो तो कमेंट में बताना, कि जैसे मान लो अर्थ, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसको एक तो मैं पकड़ा हुआ हूँ, दूसरा क्या, इस पर अर्थ क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ या ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये अर्थ की साइड मूव करता है, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें मुझे तुम्हें ये बताना है कि जैसे मान लो, देखो एक्शन रिएक्शन पे होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, तो मान लो अर्थ ने इस पे एक्शन लगाया तो ये भी अर्थ पे क्या लगाएगा? रिएक्शन लगाएगा, और दोनों होता है क्या है? बराबर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? दोनों बराबर। देखो ये W है तो ये भी क्या है? W। ये नॉर्मल है तो ये भी क्या है? नॉर्मल। तो देखो जब ये अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है नीचे, तो ये समझ रहे हो, अर्थ इस पर नीचे फोर्स लगा रहा है, तो इसको भी अर्थ, ये भी अर्थ को, मतलब ये अर्थ इस पर नीचे फोर्स लगा रहा है तो ये भी अर्थ पर ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अर्थ इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है तब तो ये नीचे जा रहा है, तो ये भी अर्थ अर्थ पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन जब मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये तो नीचे चला जाता है, अर्थ ऊपर नहीं आता है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे ये, इसके, इसको मैं डिटेल में बताऊँगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ठीक है। अब देखो अगर मान लो अर्थ इस पे फोर्स लगाता है 10 न्यूटन, तो ये भी अर्थ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बराबर होता है, लेकिन ये क्या होता है? अर्थ के साइड चला जाता है, इसको मैं छोड़ू तो ये अर्थ के साइड नीचे जाता है, अर्थ ऊपर नहीं आता है। तो इसका तुम्हें आंसर बताना है कि क्या हो रहा है, अगर तुम्हें पता है तो, वरना मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में बताऊंगा। तो ये क्या हो गया कि एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यहाँ देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये जो ये एन और ये डब्ल्यू क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, बट ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एन और ये डब्ल्यू क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, लेकिन हाँ ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एन और ये एन क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बहुत मतलब माइन्यूट बात है, लेकिन इसको क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए, ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर कब है, कब मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है ना। तो कोई भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ऐसा नहीं है, इसके लिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको नोट करो, एक बार वापस से देख लो। देखो ये एन क्या है? जो टेबल बुक पे लगा रहा है, ठीक है, लेकिन बुक ऊपर नहीं जा रहा है, तो अर्थ इस पर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि लगाया डब्लू। अब देखो ये दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों बैलेंस किया हुआ है, मतलब बुक रेस्ट पे है, ठीक है ना, ये और ये दोनों बराबर है, ये 10 तो ये भी 10। अब लेकिन क्या है, ये दोनों
मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, पर क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो जब मैंने इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको बनाना, ठीक है, तो देखो ये क्या है, टेबल ने बुक पे लगाया फोर्स एक्शन, ये वाला नॉर्मल क्या है, टेबल ने जो बुक पे लगाया तो रिएक्शन क्या होगा, बुक जो टेबल पे लगाएगा, ये वाला फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। यहाँ पे क्या है, ये वेट जो बुक पे अर्थ ने लगाया, ये वाला वेट क्या है, जो बुक पे अर्थ ने लगाया, तो ये वाला डब्ल्यू क्या है, जो अर्थ, जो बुक अर्थ पे लगाएगा, समझ रहे हो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। और ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब ये जैसे मान लो 50 न्यूटन तो ये भी 50 न्यूटन होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये तीनों सब बराबर ही होगा, ठीक है, आगे देखेंगे, तो इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है उस वो कंजर्व होता है, अगर मान लो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो मोमेंटम क्या होता है सिस्टम का, कंजर्व होता है, मतलब जितना पहले था उतना बाद में ही रहेगा, उसको अपन देखेंगे। और अभी तक अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो रिकमेंड करो, रिकमेंडेशन है कोई तो, ठीक है, थैंक यू।